सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेज वंदा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है एक शॉपिंग बैग जो कि है कॉस्टा का। ठीक है, आपने रीड कर ही लिया होगा, यहाँ पर लिखा है कॉस्टा कॉफ़ी। तो गाइज़, मैं आपको बता दूँ कि कुछ दिन पहले आपने अगर मेरा ब्लॉग देखा हो, हम गए थे अमृतसर, दरबार साहब भी गए थे और उसके बाद हम नेक्सस अमृतसर, मतलब जो मॉल ऑफ अमृतसर है उसका नाम चेंज होके अभी नेक्सस अमृतसर हो चुका है। तो वहाँ पर था कॉस्टा का कैफ़े, तो मैं वहाँ पे गई क्योंकि कॉस्टा के बाहर से जाते जाते ना मुझे कॉस्टा के कैफ़े के अंदर पड़े टम्बलर्स देख गए। आजकल आपको पता है कि मैं टम्बलर्स की दीवानी हूँ, तो जैसे ही मैंने टम्बलर्स देखे मैं कैफ़े के अंदर चली गई और मैंने कर ली शॉपिंग। शॉपिंग तो बहुत कम की है, कम क्या, मतलब एक ही प्रोडक्ट लिया है मैंने, लेकिन मैंने सोचा अगर मैंने कॉस्टा से शॉपिंग की है, क्योंकि ये मेरी पहली शॉपिंग है कॉस्टा से, तो गाइज़ मैंने सोचा अगर मैंने शॉपिंग की है तो चलो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैंने क्या लिया है कॉस्टा से, क्योंकि उस दिन मैंने व्लॉग भी बनाया था, आपको दिखाया भी था कि मैंने कॉस्टा से कुछ लिया है, लेकिन ये नहीं दिखाया था कि मैंने क्या लिया है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका एक जो ये हैंडल है ये टूट गया है, इसके अंदर ही पड़ा है। तो चलिए बाहर निकाल लेते हैं प्रोडक्ट से पहले हम। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये है बॉक्स। चलिए बॉक्स के अंदर से निकालते हैं हमारे प्रोडक्ट को और आपको दिखाते हैं। देखिए काफ़ी अच्छे से पैक करके दिया है उन्होंने मुझे ये हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है वो आपको दिखाती हूँ। वैसे तो मैं पहले बोल ही चुकी हूँ वीडियो में कि मैं टम्बलर्स की दीवानी हो चुकी हूँ। सो या ये है एक टम्बलर जो कि हमने लिया है कॉस्टा से। चलिए इसे बाहर निकाल लें। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके या यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है कॉस्टा का एक बहुत ही प्यारा सा टम्बलर जिसका कलर मुझे इतना अच्छा लगा। इसमें और भी तीन चार कलर थे, एक ग्रे था और एक पेस्टल ग्रीन कलर था। तो गाइज उनमें से मैंने सेलेक्ट किया अपने लिए ये पिंक कलर का टम्बलर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से ये ओपन होता है। ठीक है, जब से मैंने इसे लिया है मैंने इसे यूज़ नहीं किया है। मुझे ये था कि मैं जल्दी से इसकी वीडियो बनाऊं और फिर इसे यूज़ करूं, लेकिन मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। आज काफ़ी दिन बाद मुझे टाइम मिला है वीडियो बनाने का, सो जल्दी से वीडियो बनाते हैं और उसके बाद इसे यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसे यूज़ करने के लिए। तो ये देखिए, ठीक है, यहाँ से आप इसे ओपन एंड क्लोज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये अंदर से ना प्लास्टिक ही है। मैं इससे लेकर ना थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ कि इसके अंदर मैं सिर्फ शेक्स वगैरह ही डालूँ या कोल्ड कॉफ़ी वगैरह या फिर हॉट कॉफ़ी चाय वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। वैसे तो इन्होंने मेंशन किया है कि किस तरीके से हॉट बेवरेज को इसके अंदर डालना है, लेकिन फिर भी मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिक है। जो मेरे पास स्टारबक्स वाले टम्बलर्स हैं ना, उनके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि स्टेनलेस स्टील है, तो मैं इसे लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। बाकी मैंने उनसे पूछा भी था, उन्होंने तो बोला था कि आप इसके अंदर गर्म ठंडा कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन देखते हैं कि क्या डालूँगी मैं इसके अंदर। वैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे ना कोल्ड कॉफ़ी या फिर शेक्स वगैरह के लिए ही यूज़ करूँ। सो गाइस, बहुत ही प्यारा टम्बलर है और यहाँ पर क्या मेंशन है, ओके मैं आपको बताती हूँ। इसे ना पहले बंद कर दें हम। सो बंद हो गया है ये, और ये देखिए, ये जो चीज़ है ना ये बड़े काम की चीज़ है, जिसकी वजह से मैंने ये वाला टम्बलर सेलेक्ट किया। अदरवाइज तीन चार आर्टिकल और भी थे उनके पास टम्बलर्स के, स्टेनलेस स्टील वाले भी थे जो अंदर से स्टील के होते हैं, लेकिन मैंने ये क्यों लिया मैं बताती हूँ आपको। जैसे आपको इसे कहीं रखना है तो आप ऐसे रख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसे मैंने यहाँ पे रख दिया तो इसमें स्पेशल क्या है, मैं क्या बताना चाहती हूँ। सो या गाइस, मैं बताना चाहती हूँ कि ये ना, ये देखिए फिक्स हो गया यहाँ पे, ठीक है, गिरेगा नहीं। जैसे आप कार वगैरह में जा रहे हो या कहीं भी आपने रख लिया, ये नहीं है कि ये इस तरीके से गिर जाएगा। इसे आप ऐसे आराम से उठा सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं। जैसे आपको इसे रखना है तो थोड़ा सा ऐसे प्रेस करना होगा तो ये चिपक गया, उसके बाद ऐसे ही घुमा के उठा लेना है। यही यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं, फोकस। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा है ट्विन वॉल, मतलब डबल लेयर है इसके अंदर। जो मैंने आपको अंदर से ये दिखाया था ना, ये डबल लेयर है। उसके बाद इन्होंने मेंशन किया है स्ट्रॉन्ग ग्रिप पैड, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है कार कप और बीपीए फ्री। जी हाँ,
ये कार के लिए बेस्ट है, तभी मैंने ये लिया है। सो गाइस इसे हम फेंक देते हैं। इसको जब भी आपको फेंकना है तो डस्टबिन वगैरह में फेंकना है, ऐसे ही नहीं कहीं भी रख देना है, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है। अभी हम बात करते हैं इसके प्राइस की। सो गाइज अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो इसका प्राइस है 899 रुपीज, मतलब अराउंड 900 रुपीज। ठीक है, 900 रुपीज में आपको ये टम्बलर मिल जाता है। इसके काफी सारे कलर्स भी मिल जाएंगे, अगर आपको चाहिए आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। और गाइज अगर आपको स्पेशली कार वगैरह के लिए टम्बलर चाहिए तो आप ये कोस्टा कॉफी का नेवर स्पिल ओवर जो टम्बलर है ये ले सकते हैं। इसका पूरा नाम मुझे ना अभी याद नहीं, कुछ ऐसे ही लिखा हुआ था। सो या गाइज इसी के साथ यही थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।